अस्सलाम वालेकुम। कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर में कस्टमर लॉयल्टी क्लब प्रोग्राम कस्टमर्स को रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। वो कस्टमर्स जो लॉयल्टी क्लब प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो अपनी ख़रीदारी पर पॉइंट्स हासिल करते हैं जो कि उनकी प्रोफाइल में महफूज होते हैं, और इन पॉइंट्स की एक ख़ास लिमिट हासिल होने पर इनके बदले इनवॉइस पर लॉयल्टी क्लब प्रोग्राम से मुंसलिक कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलता है। कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर में लॉयल्टी क्लब प्रोग्राम को चलाना और इससे मुंसलिक कस्टमर्स के पॉइंट्स का हिसाब रखना बहुत आसान है। कस्टमर लॉयल्टी क्लब प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आपको अपने सिस्टम में चंद कॉन्फ़िगरेशंस की और लॉयल्टी क्लब पॉलिसी को तश्कील देने की ज़रूरत है। सेटिंग्स के लिए सबसे पहले हेड ऑफिस सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमर क्लब के टैब में जाकर एक्टिवेट लॉयल्टी क्लब का चेकबॉक्स चेक करें और अपडेट करें। फिर कॉन्फ़िगरेशन मिसलिनियस कस्टमर टाइप की स्क्रीन पर वो कस्टमर टाइप डिफाइन करें जो आपने लॉयल्टी क्लब प्रोग्राम में शामिल करनी है। हम यहां पर एक टाइप सिल्वर और एक टाइप गोल्ड डिफाइन करते हैं। ये सेटिंग्स करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मिसलिनियस लॉयल्टी क्लब कॉन्फ़िगरेशन में जाकर मेंबरशिप पॉलिसी की स्क्रीन को ओपन करें। अब यहां पर जो कस्टमर टाइप्स आपने कस्टमर टाइप्स की स्क्रीन पर डिफाइन की हैं उनकी पॉलिसी बनाएं। सबसे पहले पॉलिसी नेम में सिल्वर कार्ड पॉलिसी लिखें और कार्ड टाइप के सेक्शन से सिल्वर टाइप सेलेक्ट करें। मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन सेक्शन में पॉइंट्स का वो काउंट एंटर करें जो अगर हासिल हो तब ही उन्हें रिडीम किया जा सके। हम यहां पर 500 एंटर करते हैं। नीचे सेक्शन में यूनिट पॉइंट की वैल्यू एंटर करें। हम यहां पर 2 एंटर करते हैं जिसका मतलब ये है कि अगर 100 पॉइंट्स रिडीम किए जा रहे हों तो 200 वैल्यू का डिस्काउंट हासिल होगा। अब यहां पर हमारे लाइन आइटम्स शो हो रहे हैं और सबसे पहला कॉलम कैश डिस्काउंट का है। यहां पर हम वो डिस्काउंट परसेंटेज एंटर करेंगे जो हम अपने सिल्वर कार्ड होल्डर को हर परचेज पर इनवॉइस पर देना चाहते हैं। नेक्स्ट कॉलम पॉइंट्स परसेंटेज का है जिसमें लिखी गई परसेंटेज के मुताबिक सेल पर पॉइंट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिल्वर कार्ड वाला कस्टमर 100 रुपये की परचेजिंग करता है तो उसे 5% के हिसाब से इस परचेज पर 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। शॉप पर किसी भी डिस्काउंट कैंपेन में कैश डिस्काउंट परसेंटेज और पॉइंट्स परसेंटेज क्या होगी वो अगले दोनों कॉलम्स में एंटर की जाएगी। हम अगर चाहें तो किसी भी डिस्काउंट कैंपेन के दौरान लॉयल्टी क्लब कस्टमर को ऑलरेडी डिस्काउंटेड आइटम की परचेज पर यहां दोनों कॉलम्स में 0 डिस्काउंट भी दे सकते हैं। सिल्वर कार्ड पॉलिसी डिफाइन करने के बाद गोल्ड कार्ड पॉलिसी भी इसी तरह डिफाइन करें और फिर सेव के बटन से पॉलिसी को सेव कर लें। अगली वीडियो ट्यूटोरियल में हम कस्टमर मेंबरशिप कार्ड एक्टिवेशन, कार्ड अप्रूवल और फिर पॉइंट्स अर्निंग के बाद पॉइंट्स को रिडीम करने का तरीका सीखेंगे। कैंडला रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने का शुक्रिया।